बनाना, वीडियोस बनाना, मोबाइल फोन कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना, थंबनेल बनाना, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि अपने YouTube चैनल पर पहला वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। YouTube पर वीडियो अपलोड करते समय काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि टाइटल कैसा लगाना है, डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करना है और टैग्स कैसे लगाने हैं जिससे कि वीडियो अच्छे से रैंक करे। तो एक वीडियो को अपलोड करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है और क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे youtube.com, आपके सामने YouTube आ जाएगा। अगर आपने मोबाइल फोन पर ओपन किया है तो आप यहां 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन को इनेबल करेंगे। इसके बाद आप यहां जाएंगे यूअर चैनल पर। अब यहां पर देखिए, ये बिल्कुल नया चैनल है, इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। तो एक फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए आप यहां इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहां आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर भी रखी हुई है। जैसे कि हमारा वीडियो यहां पर रखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। वीडियो यहां पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी वीडियो को अपलोड करते समय 4 चीजों को ध्यान में रखना होता है। नंबर फर्स्ट है टाइटल। यहाँ पर आप अपनी वीडियो का एक टाइटल देंगे, जिस बारे में भी आपकी वीडियो है वही आप यहाँ पर टाइटल में डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वीडियो हमने बनाया है कि मोबाइल फोन से थंबनेल कैसे बनाएं, तो अब या तो आप यहाँ पर टाइटल पूरा हिंदी में डाल सकते हैं कि मोबाइल फोन से थंबनेल कैसे बनाएं, या फिर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी डाल सकते हैं हाउ टू मेक थंबनेल ऑन मोबाइल। इस तरह से यहाँ पर आप अपना टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल के लिए यहाँ पर आपको 100 लेटर्स की स्पेस दी जाती है, तो आप 100 लेटर्स में यहाँ पर जो चाहे जितना बड़ा चाहे टाइटल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन अभी भी यहाँ पर और स्पेस बाकी है, तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। अगर आप मोबाइल फोन पर है तो आप गूगल इनपुट टूल कीबोर्ड से यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर है तो आप गूगल इनपुट टूल यहाँ पर ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी भी देखिए यहाँ पर और जगह बाकी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फुल गाइड इन हिंदी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको टाइटल लिखने के लिए 100 लेटर्स की स्पेस दी गई है, तो आप इस स्पेस का पूरा फायदा उठाइए और आप यहाँ जितना लिख सकते हैं आप उतना लिखिए। अगर आप चाहे तो एक छोटा सा टाइटल भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि हाउ टू मेक थंबनेल, लेकिन अगर आप बड़ा टाइटल डालते हैं तो ये ज्यादा बेटर होता है एक छोटे टाइटल से, क्योंकि आपकी वीडियो को रैंक कराने में आपके बड़े टाइटल का, आपके डिटेल्ड टाइटल का भी एक अहम रोल होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, तो अब YouTube में अगर कोई इंग्लिश में सर्च करेगा तो उसके सामने इस टाइटल की वजह से हमारी वीडियो आएगी, और अगर कोई हिंदी में सर्च करेगा कि मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं तो उसके सामने इस टाइटल की वजह से हमारी वीडियो आएगी। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आपका टाइटल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए अगर आपकी वीडियो हिंदी में है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वीडियो के बारे में कुछ डिटेल्स डालनी होती है कि आपने अपनी वीडियो में क्या बताया है। जैसे कि इस वीडियो में हमने बताया है कि मोबाइल फोन पर HD थंबनेल फ्री में कैसे बनाएं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने मोबाइल फोन से आप फ्री में HD थंबनेल कैसे बना सकते हैं। YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल का होना बहुत जरूरी है, बिना थंबनेल के आपकी वीडियो उतने अच्छे से रैंक नहीं करेगी जितना एक अच्छे थंबनेल के साथ करेगी। तो इस वीडियो में आप आसानी के साथ जान लोगे कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से फ्री में HD थंबनेल बना सकते हैं। तो इस तरह का जो भी आपके माइंड में आता है आपके वीडियो से रिलेटेड, वो बस आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइप किया है, वरना अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शंस को देखें तो उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइप करता हूँ। यहाँ पर आपको 5000 लेटर्स की स्पेस दी गई है अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। जैसे कि आप यहाँ पर अपने वीडियो के बारे में लिखिए, आपके जो दूसरे वीडियोज है आप उनके लिंक यहाँ पर डालिए, आप अपने दूसरे चैनल्स के लिंक यहाँ पर डालिए, अगर आपको कोई एप्लीकेशन है तो आप उसका लिंक यहाँ पर डालिए, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालिए, मतलब आप इसका पूरा फायदा उठाइए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो भी आप लिखेंगे ये सर्च में भी आता है।
जैसे कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे HD थंबनेल कैसे बनाएं, तो अगर कोई पर्सन YouTube में जाकर के सर्च करेगा HD थंबनेल कैसे बनाएं, तो उसमें आपकी वीडियो भी जरूर आएगी, चाहे वो पहले नंबर पर आए या 10वें नंबर पर आए, लेकिन आएगी जरूर। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखते हैं वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखते हैं वो SEO बन जाता है, वो रैंक करता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सोच समझ के अपने हर वीडियो में अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जरूर डालिए। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है थंबनेल। थंबनेल के बारे में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वीडियो में थंबनेल का होना बहुत जरूरी है। थंबनेल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ थंबनेल लगाते कैसे हैं। फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपने चैनल को वेरीफाई कराना होता है थंबनेल लगाने के लिए, वरना देखिए यहाँ पर ही डिसेबल्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो थंबनेल अभी नहीं लगेगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वेरीफाई का एक बटन आ जाएगा, आप इस वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप कंट्री चूज कर लीजिए, यहाँ पर आप चूज कर लीजिए आप कॉल पर चाहते हैं वेरिफिकेशन कोड या फिर टेक्स्ट में चाहते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट चूज करेंगे। अब आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए चैनल आपका वेरीफाई हो चुका है, अब आप इस पर थंबनेल लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कस्टम URL ले सकते हैं, सुपर चैट आप इनेबल कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थंबनेल अपलोड करने की। और यहाँ पर अब हमें थंबनेल लगाना है तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है क्योंकि चैनल हमारा वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करा लेंगे तो आप यहाँ अपलोड थंबनेल पर क्लिक करके थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो थंबनेल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टैग्स। टैग्स के लिए यहाँ पर आपको 500 लेटर्स की स्पेस दी गई है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए और जितने टैग्स आप यहाँ पर 500 लेटर्स में लगा सकते हैं वो आप लगाइए। टैग्स होते क्या हैं? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने YouTube ओपन कर लिया है, अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं यही लिखूंगा ना कि हाउ टू मेक YouTube थंबनेल, तो बस यही है टैग। आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पर ला करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा एक टैग। मतलब YouTube पर यूजर्स किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वही होते हैं टैग्स। अब बस आपको ये सोचना है कि आपने जो वीडियो बनाया है इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक को सर्च करने के लिए यूजर्स कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक टैग मैंने आपको दिखाया कि यूजर जब भी यूट्यूब में कोई वीडियो फाइंड करेगा थंबनेल बनाना सीखने के बारे में, तो वो यही लिखेगा हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, या फिर वो लिखेगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थंबनेल कैसे बनाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड टैग। इसके अलावा वो क्या लिख सकता है, आप सोचिए। वो लिख सकता है मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं, तो बस आप लिख दीजिए मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं। ये हो गया हमारा थर्ड टैग। इसी तरह से अगर आपको आइडिया लेना है कि क्या क्या सर्च किया जा सकता है तो आप यहीं पर आएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, तो आप नीचे तक देखिए कितने सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए, तो यही है जो लोगों ने सर्च किए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छा टैग है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल इन मोबाइल, तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए और ला करके इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। हो गया हमारा फोर्थ टैग। इसी तरह से आप यहाँ पर सर्च करेंगे मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं, मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया मोबाइल से थंबनेल यूट्यूब पर कैसे बनाएं, मतलब लोग इस तरह से सर्च करते हैं, तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आपने जो भी वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपने कवर किया है उस टॉपिक को सर्च करने के लिए यूट्यूब पर लोग क्या क्या वर्ड्स क्या क्या लिखते हैं वही है आपके टैग्स, और आपको सोचना पड़ेगा कि लोग क्या क्या लिख करके सर्च करते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में हमने ईशान थंबनेल मेकर एप्लीकेशन के बारे में भी बताया है, तो हम उसका भी यहाँ पर टैग डाल देते हैं ईशान थंबनेल मेकर। अब क्या होगा कि अगर कोई भी यूट्यूब में सर्च करेगा ईशान थंबनेल मेकर तो हमारा वीडियो भी उसके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है प्लेलिस्ट। आप यहां पर एक प्लेलिस्ट बना लेंगे। अगर आप अपने चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं तो आप यहां पर प्लेलिस्ट बना लेंगे। जैसे कि यहां पर मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेता हूं टेक्नोलॉजी, यहां पर लिखेंगे विजिबिलिटीज की आप पब्लिक रखेंगे, क्रिएट कर देंगे तो यहां पर आपका ये प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट कहां पर शो होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर हम जाते हैं ईशान कंप्यूटर एकेडमी चैनल पर और यहां प्लेलिस्ट में आएंगे, तो यहां देखिए काफी सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल,
इसी तरह से यहाँ पर आप न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी कैटेगरीज बना सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ये वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है तो आप यस करेंगे, लेकिन फिर आपके वीडियोस पर एड जो आएंगे वो बच्चों वाले ही आएंगे। तो यहाँ पर आप चूज करिए कि नहीं, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाया गया। इसके बाद नीचे है एज रिस्ट्रिक्शंस का। अगर आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया है जो 18 साल से कम के लोगों को देखने के लिए नहीं है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो चूज करेंगे। वीडियो लैंग्वेज आप यहाँ से चाहें तो चूज कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ दीजिए। नीचे यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वीडियो लोकेशन आप अगर चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, हम डाल देते हैं इंडिया। यहाँ पर है लाइसेंस, आपकी वीडियो का लाइसेंस क्या रहेगा। अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यूज करेंगे तो कोई भी आपकी वीडियो को यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स यानी सीसी यूज करेंगे तो फिर कोई भी आपकी वीडियो को डाउनलोड करके कहीं भी अपलोड कर सकता है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी चूज कर लेंगे आपकी वीडियो किस कैटेगरी में जाती है। तो जैसे कि हमारा ये वीडियो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर हाउ टू एंड स्टाइल में, तो हम ये चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इन सभी चीजों को चेक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आप कोई एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई वीडियो जब है तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिला है पब्लिक। अगर आप पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और कोई भी उसको देख सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अनलिस्टेड चूज करेंगे तो तब आपकी वीडियो सिर्फ वो देख सकता है जिसको आप लिंक सेंड करेंगे, और अगर आप प्राइवेट चूज करेंगे तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पब्लिक चूज करेंगे और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, वीडियो आपका यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। अभी ये क्योंकि नया चैनल है तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आप मोनेटाइजेशन को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे लॉन्च किया आप अपने वीडियोस में ऐड इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पहला वीडियो है, बिल्कुल बेसिक वीडियो है, तो इसमें मैंने आपको सिर्फ वही चीजें बताई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड थंबनेल। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अब आप सीख गए होंगे कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं।